मकसद को नहीं भूलते हैं। एस बटन दबाया। 74 KMPL की एवरेज पूरी गंदी हो रखी है ना। ओहो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम आज भाई मौसम खुला हुआ है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। आई एम डैम श्योर कि आप भी जहाँ रहते होगे वहाँ का भी मौसम कुछ ऐसा ही होगा, बट फॉर्चुनेटली आज थोड़ी सी धूप निकली है तो हम बाइकर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा है आज। बाकी हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज के व्लॉग में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और कुछ एक छोटी सी राइड भी करके आएंगे हम हमारे मेहमान से, तो चलते। मैंने ना काफ़ी लोग को देखा है जो अपनी बाइक को वार्म अप नहीं करते यार। आई डोंट नो यार वार्म अप क्यों ही नहीं करते। और जैसे मैंने अपना वाइज़र डाउन किया, मेरा पूरा वाइज़र इतना गंदा हो रखा है भाई, मुझे को ना वाइज़र बहुत ही जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ये रोड ना बहुत खाली है और बहुत दिन से मैंने इसका 100 नहीं लगाया है, तो चलते हैं 100 लगा लेते हैं। बाइक अच्छी खासी वार्म अप कर ली है। ओ आवाज़ सुनो भाई, थर्ड गियर में जो पुल करती है ना भाई, ये बाइक भाई थर्ड गियर में 87 गई है, 87। फोर्थ गियर में कितना जाती है देखते हैं भाई, 108 फोर्थ गियर में। आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है यार मेरे को, और वो बात ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल मेरी बाइक 14,929 मतलब मान लो 15,000 किलोमीटर चल गई है, और इन 15,000 किलोमीटर में ना मेरे को इस बाइक से काफ़ी सारी शिकायत आई थी, बट एक जो शिकायत थी वो कांस्टेंट थी, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर व्लॉग में ही करता था, वो थी इंजन लाइट की। इस बाइक में ना इंजन लाइट आती थी, मतलब आप मेरे कोई भी पुराने व्लॉग उठा के देख लो, उसमें 100% इसमें इंजन लाइट जली रही होगी। और भाई वो चीज़ इतना डिसअपॉइंट करती थी ना, कोई भी रील बनाओ या कोई भी स्टोरी डालो बाइक चलाते वक्त, तो सबका यही कमेंट आता था कि गाड़ी ख़राब है क्या, क्या हो गया इंजन लाइट की बारी। बहुत मतलब अजीब सा लगता था कि तुमने यार फर्स्ट हैंड बाइक ली, अभी एक साल हुआ है बाइक को और उसमें इंजन लाइट आ रही है। तो ये जो इंजन लाइट है ना वो 1000 किलोमीटर चली थी मेरी बाइक, फर्स्ट सर्विस ही हुई थी, हम जाम गेट गए थे तब इसमें इंजन लाइट आने लगी थी। मैंने उस दिन चेक कराया तो उन्होंने बोला ओवर स्पीडिंग की वजह से आती है, तो उसके बाद मेरी आदत सी बन गई थी, थोड़ी देर खड़ी कर दो और उसके बाद स्टार्ट करो तो बंद हो जाती थी, वो आराम आराम से चलाओ तो। बट जैसे ही आप थोड़ा सा भी तेज़ चलाओ 70+ इसमें इंजन लाइट आ जाती थी। और ये दिक्कत सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे N160 ओनर्स के साथ आती थी। भाई वो थार देख रहे हो, मस्त लग रही है यार। हाँ तो सिर्फ N160 नहीं, ये मेरे एक फ्रेंड है उसके पास पल्सर 125 है, उस पर भी ये दिक्कत आती है इंजन लाइट की। अब ये जो बाइक है ना ये ECU है, इसमें ECU इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेन ऑफ योर मोटरसाइकिल, और इसमें इतने जाने इतने सारे सेंसर्स हैं ना कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतने सारे सेंसर्स हैं इस बाइक में। तो ऐसा भी नहीं कि कोई सुपर बाइक जितने, बट नॉर्मल 160cc के हिसाब से बहुत सेंसर वाली बाइक है ये। तो इसके ना अपडेट्स भी आते हैं। अब मेरे को नहीं पता था कि N160 में कोई अपडेट भी होता है, तो वो लैपटॉप लगा के पता नहीं कैसे क्या अपडेट करते हैं। तो मेरा अपडेट जो है वो अभी हुआ लास्ट सर्विस में इसकी, जो कि थी इसकी फोर्थ सर्विस 15,000 किलोमीटर पे। तो उसमें उन्होंने क्या किया ना, मेरे को एक्चुअली एक दिक्कत आ रही थी जो था इसका थ्रॉटल बॉडी सेंसर का, वो बहुत मिसिंग मार रही थी। आपने देखा होगा वो ब्लॉग, हम राजस्थान ट्रिप से वापस आए थे तब ये दिक्कत होना शुरू हुई थी, तो ये ना बहुत मिसिंग मार रही थी। उसके रिगार्डिंग में गया था और सर्विस भी आई हुई थी, तो उन्होंने बोले एक बार फाइल अपडेट करके देखते हैं शायद ये दिक्कत चले जाए। मेरे को नहीं पता था कि N160 का फाइल अपडेट आ रखा है, और बहुत टाइम पहले आ रखा था भाई वो फाइल अपडेट, बट उन्होंने ना अभी लास्ट सर्विस में किया, थैंक्स टू बजाज सर्विस जो भी बोलो। जैसे इसका फाइल अपडेट हो गया ना भाई कसम से, उसके बाद से इसमें इंजन लाइट की दिक्कत आना ही बंद हो गई। मैं फिर भी परेशान था क्योंकि थ्रॉटल बॉडी अभी भी गंदी थी या क्या था पता नहीं, बहुत मिसिंग मार रही थी, बट उसके कुछ दिनों बाद से मिसिंग मारना भी बंद हो गई। इंजन लाइट का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था, वो भी आना बंद हो गया। तो अब इस N160 में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब टच वुड हमारा जो विमान है ना भाई, अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप में से काफ़ी लोग पूछते रहते थे कि कंटिन्यूस आपकी बाइक में इंजन लाइट आती है, तो भाई अब आपको किसी भी व्लॉग में इंजन लाइट नहीं दिखेगी भाई। अब तो हम लाइक लिटरली इस बाइक में कोई कमी नहीं है, जो मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी चली गई, इंजन लाइट की प्रॉब्लम थी वो भी चली गई। तो अब कुल मिला के ना इस बाइक में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मतलब और क्या ही दिक्कत थी। टूरिंग में एक नंबर है ये बाइक, टूर आप कितना कर लो कितनी स्पीड चला लो इसको बिल्कुल स्टेबल रहती है। टायर्स इसके बजाज इतने अच्छे टायर्स देती है, यूरो ग्रिप के टायर्स है, TVS यूरो ग्रिप के, आज तक एक भी दिक्कत नहीं दी है इन टायरों ने मुझे। मैंने 15,000 चला दी जैसे कि आपने देखा, एक दिक्कत नहीं है भाई इस बाइक में। बट अभी भी हाँ थोड़े छोटे मोटे काम है, जैसे कि इसकी थ्रॉटल बॉडी का काम आया था
तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैंने गंदा पेट्रोल डाला, इसके वजह से इसके फ्यूल इंजेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई हो, तो इसके फ्यूल इंजेक्टर को भी अपन क्लीन कराएंगे। प्लस मैं हर 5000 किलोमीटर में ना जो ऑयल है उसको चेंज करता हूँ। अभी वैसे हम देख सकते हैं ऑयल की कंडीशन अच्छी है, रेड रेडी दिख रहा है एकदम रुअब्जा जैसा, बट मैंने आई गेस 10,000 किलोमीटर पे चेंज किया था इसका ऑयल। मैं हर 5,000 किलोमीटर पे अपनी बाइक का ऑयल चेंज कर देता हूँ। 10W40 फुल्ली सिंथेटिक मोटुल का इंजन ऑयल मैं इसमें डालूंगा इस बार, और देखेंगे परफॉर्मेंस क्या आती है। प्लस इसमें ना बजाज वालों ने सर्विस करते टाइम आई डोंट नो व्हाई ब्रेक ऑयल नहीं डाला। एक डोमिनार ओनर से भी मेरी बात हो रही थी, पीयूष भाई, आप उनको जानते होंगे, आयकर पीयूष, उनकी भी गाड़ी में सेम दिक्कत भाई, उनकी भी गाड़ी में ब्रेक ऑयल नहीं डाला था। और मेन पता यहाँ पे ना आपको दिखता नहीं है, वैसे तो यहाँ से दिख जाता है, मेरी भी बाइक में मिनिमम पे आ रखा है फ्रंट ब्रेक ऑयल, बट सर्विस वाले पता नहीं यार क्या नशे करते हैं, उन्होंने डाले ही नहीं ब्रेक ऑयल, तो अपने को ब्रेक ऑयल भी डलवाना है। तो मतलब छोटे मोटे खर्चे हैं अभी इस बाइक में, बट अगर आप इतना चला रहे हो बाइक को, इतना फन ले रहे हो उससे, तो उसकी पैम्परिंग करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फार मतलब कहने का मतलब यही था, आई एम सो हैप्पी विथ माई बाइक फाइनली आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स। एक साल के बाद इसने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया अपना, इसकी इंजन लाइट बाइक कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है, और आई कैन फाइनली से आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ दिस N160। एक दिक्कत तो भाई अभी भी है इसमें, पहले से इसमें स्टार्ट ही नहीं होती यार, अब हो गई भाई। ये बाइक में ना इतना सेंसर इश्यू क्या क्या है भगवान जाने, तो उसको ना टाइम टू टाइम अपडेट कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूँ कि N160 की सर्विस तो आप सर्विस सेंटर से ही कराओ, भले छोटे मोटे काम आप बाहर से करा लो, बट इस बाइक को वारंटी में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं बाहर से सर्विस कराऊँ बाहर से, बट यार एक दिन का टॉर्चर सह लो और जाओ वहाँ पे सर्विस करा लो, क्योंकि अगर ये बाइक वारंटी के बाहर चली गई ना भाई, तो अच्छे खासे खर्चे करा सकती है, इतना पोटेंशियल है इसमें। अभी तक फाइल अपडेट कराने के बाद जो थोड़े बहुत मेरे को चेंजेस पता चले, चेंजेस थोड़े बहुत क्या थोड़े ही है, एक जो है इसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अभी तक मैंने टॉप स्पीड पे भगाया नहीं है, बट जैसे ही कि वो गियर्स के जो वो रहते हैं ना, मतलब कि कितना स्पीड जा रही है, एक गियर में कितनी स्पीड है वो बढ़ गई है, तो आई एम डैम श्योर कि फिफ्थ गियर में जो 127 पे इसका लिमिटर हिट करता था, अब वो शायद 135 तक जाएगा। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट कम है, पेट्रोल बिना देते भाई अपनी बाइक को क्या सकते हैं। तो जैसे ही आप N160 को कुछ चालू करोगे, किल स्विच ऑन करोगे, तो आपका जो इंजन फेस होगा वो इससे होगा, ओडोमीटर से। तो ये टोटल ओडोमीटर की रीडिंग है ना, उसके बाद आप ये S वाला बटन दबाना, ये जो राइट साइड में है S वाला, जैसे ही आप बटन दबाओगे तो ये IFE लिखा के आएगा। अब ये एवरेज नहीं है, ये है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी काम क्या करती है वो मैं आपको आगे चल के अच्छे से समझा तो दूंगा, बट एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ कि क्या करता है। एवरेज तो आपको पता है कि 1 लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर में आपकी बाइक में कितनी एवरेज थी, वो आपकी बाइक कैलकुलेट करके बताती है। बट IFE क्या होता है ना कि देखो, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं बाइक यहाँ से वहाँ तक लेके जाऊँगा, तो मेरी बाइक कितना माइलेज दे रही है मेरे को ये बाइक वो बताएगी। ये बाइक मेरे को ऐसा नहीं बताएगी कि इतने किलोमीटर में कितना दिया, ये मेरे को इंस्टेंट जैसे जैसे मेरे पहिए घूम रहे हैं ना, उस हिसाब से मेरे को ये बताएगी कि पहिए तुम कितना ज़्यादा थ्रोटल इनपुट दे रहे हो, कितना कम थ्रोटल इनपुट दे रहे हो, उस हिसाब से मेरे को एवरेज निकाल के बताएगी कि इंस्टेंटली क्या एवरेज आ रहा है। वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करते हो और इससे अच्छी एवरेज क्या निकाल सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 424.8 किलोमीटर की इसमें ट्रिप वन है, जिसमें 52 की एवरेज दिया है इसने, विच इज़ अ गुड एवरेज। तो मैं ना इसको जो हमारा ट्रिप है इसको मैं पहले रीसेट कर लेता हूँ। ये ट्रिप हमने कर ली है रीसेट, माइलेज भी ऑब्वियसली रीसेट हो गई होगी। तो अब क्या करते हैं ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छी एवरेज मैं कैसे निकालता हूँ अपनी गाड़ी से। वो भी आप देख सकते हो, IFE पे मैंने डाल ली है, और अभी ट्रैफिक का टाइम है, मतलब पता नहीं जैसे मैं कैमरा खोलता हूँ ट्रैफिक कहाँ गायब हो जाता है, बट है ट्रैफिक, आप मेरी बात मानो, मैं आपको अभी कैमरे में दिखाता हूँ। तो देखो, पहले गियर में आपने बाइक उठाई, तो मेरे को पता है कि अभी ना ये इतना अच्छा सा GoPro उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा, बट सेकेंड गियर पे मैं जैसे थ्रॉटल को पूरा हल्का रिलीज कर रहा हूँ ना, ये देखो बढ़ रहा है 60, 52, 48, क्योंकि अभी मैं हल्का हल्का थ्रॉटल दे रहा हूँ। तो जैसे आप थ्रॉटल दोगे ये कम होगा, जैसे आप थ्रॉटल रिलीज़ करोगे तो यह IFE बढ़ने लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप थ्रॉटल नहीं दे रहे हो, आप एक हल्का थ्रॉटल दे रहे हो, हल्का हाथ रख रहे हो, तो एवरेज ज़्यादा देगी।
तो थ्रॉटल को एकदम हल्के हाथ से पकड़ो तीसरे गियर में, एकदम धीरे धीरे प्यार से उठाओ इस गाड़ी को। देखो ये एंडेवर, ऐसे लोग को इग्नोर करना है गाइस, आराम से हमें एवरेज निकालनी है ना। आप उठाते उठाते तो इतनी अच्छी एवरेज नहीं निकाल पाओगे, तो आप एक काम करो, आप एक स्पीड मेंटेन कर लो हल्का हल्का, मतलब थ्रॉटल लेते लेते। अब अच्छी एवरेज कैसे निकालनी है कि जैसे ये IFE कम होने लगे ना, आपको थ्रॉटल हल्के हाथ से पकड़ के हल्का हल्का रिलीज़ करना है। और जस्ट सपोज़ कि आप क्रूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा खींचो, पचवे गियर पे डालो। मान लो आपको 60 पे क्रूज़ करना है, 60 पे क्रूज़ करके थ्रॉटल छोड़ दो और एकदम हल्के हाथ से उसी स्पीड पे पकड़ लो। अब देखो ये 99.9 IFE दे रही है, क्योंकि हल्का सा ढलांग वाला एरिया है। काफ़ी लोगों को यार ये IFE की फीचर के बारे में नहीं पता होता कि कितना मतलब आपको हेल्प कर सकता है जब आपको एवरेज निकालनी हो तब। देखो नॉर्मली तो इतना ज़्यादा आप एवरेज माइंडेड होके नहीं चल सकते, क्योंकि सबको यार फन करना होता है, सबको थोड़ी भगानी होती है, कहीं जल्दी पहुँचना होता है, तो उस टाइम पे आप इतना मतलब एवरेज को नहीं देखते हो। बट जब आप ऐसे सेंट्रल फोकस करके, माइलेज पे फोकस करके चला रहे, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो और आप ये मूड बना के जा रहे हो यार आज तो अच्छा एवरेज निकालना है, तो ये IFE आपकी इतनी हेल्प करेगी ना भाई। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली चला रहा होता, राइड पे जा रहा होता, तो मैं भगा रहा होता, मैं कट-कट मार के निकल रहा होता, गियर डाउन करके मैं स्पीड ले रहा होता, उसमें ये बाइक मेरे को अच्छा एवरेज नहीं देती। बट आज मेरा मूड है कि मैं अच्छी एवरेज निकालता हूँ, तो उसके लिए है ये फीचर IFE, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। और सिटी के लिए भी, कि सिटी में जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो आप अपना हाथ थोड़ा हल्का रखो, ज़्यादा रैव मत करो, ज़्यादा स्पीड से मत खींचो, धीरे धीरे गाड़ी उठाओ, क्या करना है जल्दी जाके। तो लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे अपना सीट पे, हमारा मतलब राइड यहीं से स्टार्ट होती है नॉर्मली जब हमें इधर साइड जाना होता है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं ये रोड ले रहा था और इस रोड को मिस कर रहा था, तो आज फाइनली मिस करते करते इधर आ ही गया मैं, ये रोड मुझे खींच ही लिया अपने तरफ। एक्चुअली इस रोड में ना बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं, तो वहाँ पे कहीं पे रुक के हम चाय पिए। 75 क्रूज कर रहे हैं और मैं थ्रॉटल को उसी स्पीड में पकड़ के रखा हुआ है। 73 पे बाइक मुझे 70 प्लस की IFE में शो कर रही है, 72, 70, 73 मतलब घट रहा है ये धीरे धीरे, बट हाँ 60 अराउंड दे देगी आराम से। बट आपको ना हाथ रखने का खेल है कि आप हाथ कैसा रखते हो अपने थ्रॉटल पर। अभी देखो जैसे मैं 74 रख रहा हूँ तो भी मुझे 70 प्लस दे रही है एवरेज। भाई जैसे आप गियर डाउन करो ना, कसम से जो ये बाइक रोर करती है। आपको पता है कि मैं क्या करता था, जब मेरे को इंदौर के रोड्स नहीं पता थे ना कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो मैं दिन भर बैठ के मैप देखता रहता था और फिर मैं उस मैप के अकॉर्डिंग उस हाईवे पे जाके कहीं भी निकल जाता था भाई। मतलब मैं जाता, मेरे को पता था कि यहाँ यहाँ से हाईवे निकलते हैं, मैंने मैप में देख रखा था, और मैं वहाँ जाता था और कहीं भी निकल जाता था ऐसे मस्ती में। फिर जब थोड़ी ऐसे राइड कर लेता था, जब लगता था नहीं यार बहुत दूर हो गए अब वापस चलते हैं, तो मैप लगाता था घर का और वापस निकल जाता था। भाई चाय पीने की तमन्ना तो पूरी हो गई, बट ना आगे यहाँ पे कुछ था नहीं चाय वाला, तो मैं वापस घूम के आया यहाँ पे बाबाज ग्रैंड किचन में, और ये खड़ा है हमारा विमान, कुछ स्टोरी वगैरह बना रहा था। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, भाई बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है वहाँ पे और आपको अपडेट भी मिलता रहेगा वहाँ पे। बाकी यार ऐसे कभी मन नहीं करता आप लोग कभी कैसे बिना कुछ डेस्टिनेशन सोचे ऐसे बस हाईवे पे निकल जाओ और ऐसी कई जगह पे पहुंच के चाय पियो, मस्त अपनी बाइक को ऐसे देखते देखते चाय पियो, हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों को देखो, ये जो बस की टायरों, बस और ट्रक के टायरों से आवाज आती है ना भाई, ये इतनी मस्ती होती है ना, मजा आ जाए। और ऐसी बाइक हो तो फिर क्या ही चाहिए। टू बी ऑनेस्ट भाई चाय बहुत ही अच्छी यहाँ की। मैं ना राइट साइड चला गया था मतलब रॉन्ग साइड चला गया था चाय पीने के लिए, मतलब चाय बहुत अच्छी थी, बट लेफ्ट साइड में ही कुल्हड़ वाले भैया ने 30 लगा रखा था, मस्त और कुल्हड़ वाली चाय पीते। खैर कोई नहीं, मौसम ऐसा नहीं है कि कुल्हड़ वाली चाय ही सही है, चाय बहुत अच्छी थी भाई। पता अगर मैं अच्छी एवरेज नहीं निकाल रहा होता ना, तो कसम से ऐसा सट सट निकलता ना मैं यहाँ से। ट्रैफिक कुछ अच्छा फिल्टर करती है ना ये बाइक कि पूछो मत, बस आपको कंट्रोल आना चाहिए इस बाइक का, इतना अच्छा मतलब टैकल करती है ना ये ट्रैफिक को। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा थ्रॉटल ना पुल करूँ, बट जैसे गियर डाउन कर रहे हो ना आप ट्रैफिक में, तो भाई नहीं हो पा रहा है। बट पहले पता नहीं यार मैं कैसे इतनी अच्छी एवरेज निकाल लेता था, पता नहीं यार कैसे मतलब उसी पेस में चलाता था मैं, मेरे को कोई ऐसा था ही नहीं कि बाइक भगानी है कुछ करना है। मतलब जब मैं बाइक भगाता था ना यार 60-70 पे, जब मैं अपनी बाइक लेके जाता था, तो मेरे को ऐसा धक से होता था यार क्या एवरेज कम हो जाएगी, एवरेज कम हो जाएगी। बट दैट्स द पॉइंट कि यार फिर आप फ़न नहीं ले पाते बाइक में। अभी मैं थोड़ा सा फ़न लेने लगा हूँ अपनी बाइक से,
थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड को इंजॉय करने लगा हूँ, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज की चाय अराउंड 40 किलोमीटर हो गई, क्योंकि समय मेरे ख्याल से 49 चली थी और अभी 69 हो गई है। तो आप समझ गए होगे कि IFE कैसे काम करती है। मैं आपको एवरेज दिखाता हूँ। ये हमने दबाया M मोड, आ गया इसका ट्रिप वन, जिसमें 34.5 किलोमीटर दिखा रहा है, बट अराउंड 40-42 किलोमीटर चलाई आज हमने। और ये आ गया मेरा दोस्त, सूंघ रहा है मेरे को, इसको लगता है मेरी विमान अच्छी लग गई। खैर, हम अपने मकसद को नहीं भूलते हैं। S बटन दबाया, 74 km/h की एवरेज हमने निकाली है। अगर मैं इतने आराम से चलाऊंगा अपनी बाइक तो 74 km/h की माइलेज। और बताओ भाई लोग, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही। अब कुछ लोग बोलोगे कि एक्यूरेट नहीं दिखाती है, बट यार अगर 74 का दिखा रही है तो अगर 60 का भी दे रही हो, मैं सीधा 14 का मांग रहा हूँ, 60 का भी दे रही हो तो क्या हो रही है। 60-70 पे मैंने इस बाइक को चलाया है और ट्रैफिक दिखा मैं, अगर ये बाइक इतना अच्छा एवरेज दे रही है तो क्या चाहिए। बाइक मैंने लगा दी है अंदर, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। बाइक आई नो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, बट ऐसा ही है। और मेरी पार्किंग में किसी ने साइकिल लगा दी है, तो मैं उसको रफा दफा करके अपनी बाइक लगाऊंगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 74 का एवरेज देती है N160, जो लोग बोलते हैं ना कितनी अच्छी एवरेज नहीं देती, देती है भाई, बहुत अच्छी एवरेज देती है, बस थोड़ा सा अपना मन मार के चलाना पड़ता है, बाकी हाँ एवरेज अच्छी देती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।